तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है ना, ये उर्दू फॉर बिगनर्स यानी कि UFB का पार्ट 27 है। जी हाँ, बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, काफ़ी दिन के बाद ये पार्ट 27 अपलोड हुआ है। 26 तक ही मैं रोक कर रखी हुई थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं रीज़न क्या था। रीज़न इज़ डैट 10th और 12th क्लास का एग्ज़ाम था। अभी भी 12th क्लास का एग्ज़ाम चल ही रहा है और 10th का भी हुआ नहीं है। बीच में मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फाइनली मुझे अभी कुछ समय मिला तो आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि पार्ट 27 लाइए। तो मैं सोची 27 आप लोग तक पहुँचा देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि देखिए, जब आप लोग कमेंट करके बोलते हैं ना कि हमें ये चीज़ चाहिए, पार्ट 27 लगी या फिर ये चीज़, तो मैं उस कमेंट को जब देख लेती हूँ और फिर मैं, मुझे मन भी नहीं करता है ना कि छोड़ो आज वीडियो शूट नहीं करेंगे, और फिर मैं कोई दूसरा काम करने लगती हूँ, तो वो आप लोग का कमेंट जो किए रहते हैं ना, वो मेरे माइंड में हंट करता है। और फिर मैं अपने आप में ही एक दोषी फील करती हूँ, गिल्टी फील करती हूँ कि मुझे वीडियो शूट करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे अपने आप में दोषी फील होता है और फिर फाइनली आकर मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो जैसे कि आप लोग का पार्ट 27 का बोल रहे थे कि UFB का पार्ट 27 लगी, तो फाइनली मैं किसी, मेरे पास समय नहीं था क्योंकि 10th और 12th में बिजी थी, लेकिन किसी तरह समय निकालकर और पार्ट 27 अभी शूट कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पार्ट 27 में। UFB के पार्ट 27 में हम लोग चार अक्षर से बने वो मात्रा वाले उर्दू के शब्दों को लिखना और पढ़ना सीखने वाले हैं। हालांकि अभी से ही आप लोगों का फीडबैक आना स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि हम लोग उर्दू को पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं। कहीं पर भी उर्दू लिखा हुआ रह रहा है ना, तो हम लोग पढ़ ले रहे हैं, लिख भी पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि हम तो उर्दू सीख चुके हैं, बस इतना ही, पार्ट 27 तक ही, 26 तक ही देखकर वो लोग बोल रहे हैं कि हम उर्दू सीख चुके हैं, पढ़ भी ले रहे हैं, लिख भी पा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आप लोग सीख रहे हैं और आप लोग को उर्दू लिखना और पढ़ना आ रहा है। लेकिन हाँ, अभी आप लोग कम्प्लीटली सीखे नहीं हैं, अभी बहुत सारी चीज़ों को उर्दू में सीखना बाकी है। ठीक है, तो अभी तो ये पार्ट 27 है, अब देखिए कितना लंबा ये सीरीज जाता है। लेकिन हाँ, उर्दू को सीखने के लिए, पढ़ने और लिखने के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो आप लोगों को मैं 100% बताऊंगी। ये उर्दू फॉर बिगनर्स का सीरीज जो चल रहा है ना, सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे, इसकी कोई उम्र की सीमा नहीं है कि इतने उम्र वाले जो लोग हैं वो नहीं सीख सकते, इतने उम्र वाले सीख पाएंगे, ऐसे नहीं है। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है उर्दू फॉर बिगनर्स। आप 10 साल के हो, 15 साल के, 20 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40, 60 से ऊपर वाले जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं ना, 62-65 साल वाले, मतलब 62-65 साल के जितने भी बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग, वो भी इस सीरीज़ को देखते हैं, उर्दू फॉर बिगनर्स के सीरीज़ को देखते हैं और हमें ढेर सारी दुआएं देते हैं। तो सोचिए वो लोग कितना एक्साइटेड है। और ये सभी लोगों के लिए, मैं बोल रही हूँ ना, सभी के लिए अगर आप लोग उर्दू सीखना चाहते हैं तो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं, लिखने आता है, पढ़ने नहीं आता, या फिर पढ़ने आता है, लिखने नहीं आता, तो भी आप लोग उर्दू को आसानी से सीख सकते हैं। बस मैं आप लोग को जो बोल रही हूँ ना, उसको 100% फॉलो करना है। ये उर्दू फॉर बिगनर्स का पार्ट 27 है ना, अगर आप लोगों को उर्दू लिखने आता है, पढ़ने नहीं आता, पढ़ने आता है, लिखने, अगर आप लोग उर्दू सीखना चाहते हैं तो उर्दू फॉर बिगनर का पार्ट 1 से वीडियो देखते चले आइए, पार्ट 1, 2, 3 करके, और जितनी भी चीज़ों को मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ उसको सीखते और समझते चले आना है। अगर आप मेरी बातों को, जितना भी मैं आप लोगों को कह रही हूँ, उसको 100% फॉलो करते हैं ना, तो आई गारंटी यू आप 100% उर्दू लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। बस मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ वो कीजिए, और जो लोग पार्ट 1 से देखते चले आ रहे हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 27 है, देखिए उर्दू फॉर बिगनर्स के पार्ट 26 यानी कि इसके पहले वाले वीडियो और पार्ट 25 में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी भी अक्षर को अगर ओ की मात्रा में बदलना है, ओ की मात्रा में बदलना है, तो उस अक्षर के ऊपर पेश लगाकर और उसमें वाव जोड़ देते हैं, तो वो अक्षर ओ की मात्रा में बदल जाता है। जैसे कि काफ से क होता है, इसको कु ओ की मात्रा में बदलने के लिए इस काफ के ऊपर हम लोग पेश लगा देंगे और इसके आधे भाग को मिटाकर इसमें वाव जोड़ देंगे। तो काफ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया को, ओ की मात्रा में बदल गया। बस ये जो ऊपर पेश है ना, जबरदस्त पेश वगैरह नहीं लिखा जाता है, तो पेश को मिटा दीजिए, मन में मानिए कि हाँ ऊपर क्या है, पेश है, ये मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये हो गया को। लेकिन हाँ, मैं आप लोग को ये भी बता चुकी हूँ कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि किसी भी अक्षर को ओ की मात्रा में बदलना रहता है ना, तो उसके ऊपर सिर्फ पेश लगा दो तो भी वो ओ की मात्रा में बदल जाता है, वाव लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे कि काफ से क हो गया, इस पर सिर्फ आप लोग पेश लगा देंगे तो भी ये को पढ़ा जाएगा, ठीक है, और ये भी को पढ़ा जाएगा, ये दोनों को पढ़ा जाएगा। तो ये कभी कभी ऐसा स्थिति आता है कि सिर्फ ऊपर पेश लगा देने से क्या हो जाता है, वो अक्षर ओ की मात्रा में बदल जाता है। जैसे कि देखिए, सबसे पहला शब्द है मोहम्मद, इसी को एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मोहम्मद अगर आप लोग को उर्दू में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मैं आप लोग को बताई हूँ। सबसे पहला अक्षर उठाना है मो है, मो, मो को उर्दू में क्या कहते हैं, सोचिए, मो को उर्दू में कहते हैं मीम, लिख दीजिए, मीम से तो मो हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, मो, यानी कि मो को मीम से मो हो जा रहा था, अब इसको ओ की मात्रा में बदलना है। ओ की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ देते हैं, यानी कि मीम के ऊपर पेश लगाकर और वाव जोड़ देंगे तो ये मो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को बताई ना, कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि सिर्फ ऊपर पेश लगा देने से ही वो अक्षर ओ की मात्रा में बदल जाता है, तो यहाँ पर वाव नहीं लगाएंगे, सिर्फ
पेश लगाएंगे, मीम के ऊपर सिर्फ पेश लगा देंगे तो ये मुंह हो गया, ठीक है। उसके बाद से हा उर्दू में क्या कहते हैं, हे कहते हैं, लिख दीजिए, हे से हा हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पर एक आधा मा है और एक पूरा मा है, यानी कि दो बार मा पढ़ना है, मोहम्मद मोहम्मद दो बार मा आ रहा है ना। तो सबसे पहले तो मा उर्दू में मीम कहते हैं, मीम लिख दीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि एक ही बार मीम क्यों लिखी, यहाँ पर दो बार मा है ना, एक आधा मा एक पूरा मा, तो एक बार आधा मीम लिखना चाहिए और एक बार पूरा मीम लिखना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ कि उर्दू में डबल नहीं लिखा जाता है, किसी भी अक्षर को दो बार पढ़ने के लिए बस उस अक्षर के ऊपर तशदीद लगा दिया जाता है, इस तरह तशदीद लिखा जाता है। जिस तरह आप इंग्लिश में डब्लू लिखते हैं ना, ऐसे डब्लू, अरे मैं अच्छे से लिख दूँ, इस तरह डब्लू लिखते हैं इंग्लिश में, उसी को बस साइज में छोटा कर दीजिए, इतना छोटा। तो ये उर्दू में कहा जाता है तशदीद। तो ये जो तशदीद है, जिस भी अक्षर के ऊपर लगा दिया जाता है ना, वो अक्षर डबल पढ़ा जाता है, दो बार पढ़ा जाता है। तो मीम को दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आधा मीम के लिए एक आधा मा लिखा जाएगा, पूरा मीम के लिए पूरा मीम लिखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही ठो मीम लिखिए, बस उसके ऊपर तशदीद लगा दीजिए, वो मीम जो है ना दो बार पढ़ा जाने लगेगा। जिस भी अक्षर के ऊपर तशदीद लगाया जाता है वो डबल पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये डबल मीम हो गया, ऊपर तशदीद लगा दिए, और उसके बाद से देखिए लास्ट में क्या है, द, द को उर्दू में दाल कहते हैं, लिख दीजिए दाल। अब इन सब को जोड़ दीजिए, आसानी से आप लोग मोहम्मद लिख लेंगे। चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए मैं आप लोग को बताई हूँ, आधा भाग उठा लेना है, मीम का आधा भाग उठा लिए, इतना बिंदु वाला भाग, ठीक है। मीम के ऊपर क्या है, पेश है, लेकिन हम लोग मन में मानेंगे, लिखेंगे नहीं, ये भी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो मीम के ऊपर पेश जुड़कर ये हो गया मो, ठीक। और ये जो हे है, हे का भी आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, ऐसे देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर लाकर ऐसे कर देना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर हे का ऊपर वाला आधा भाग है, उसी तरह उठाकर इसी में लाकर ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो गया हे, मीम के ऊपर पेश जुड़कर मुँह और हे से ह। और फिर ये जो मीम है ना, मीम का ऊपर वाला आधा भाग उठा लेना है और फिर यहाँ पर लाकर इसी हे में जोड़ देना है। तो देखिए ये फिर मीम हो गया, और मीम के ऊपर क्या है, तशदीद। आप लोग लिख दीजिए मीम के ऊपर तशदीद है, ठीक है। और फिर लास्ट में जो दाल है ना, इसको ले जाकर इसी मीम में जोड़ दीजिए। तो देखिए मीम के ऊपर पेश जुड़कर मो, हे से ह, और यहाँ पर मीम के ऊपर क्या है, तशदीद है, यानी कि मीम को दो बार पढ़ा जाएगा, और दाल। तो मो हम मद, मीम को दो बार पढ़ना है क्योंकि तशदीद है, तो मो हम मद मोहम्मद। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का एक और लफ्ज़ देखिए, मोहब्बत। ये था मोहम्मद, अब मोहब्बत लिखना है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मीम से माँ होता है, लिख दीजिए, मीम से माँ तो हो गया, लेकिन मो, ओ की मात्रा में बदलने के लिए जिस तरह यहाँ पर ऊपर सिर्फ पेश लगा दे रहे थे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी सिर्फ ऊपर पेश लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मीम के ऊपर पेश जुड़कर मो, ठीक। उसके बाद से ह, जिस तरह यहाँ पर ह हे से हो जा रहा था, उसी तरह यहाँ पर भी हे से ह हो जाएगा, ठीक है। हे से ह हो गया, फिर आधा ब है और पूरा ब है, यहाँ पर आधा मौ था और पूरा मौ था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, मौ को लिख दे रहे थे और ऊपर तस्दीद लगा दे रहे थे, तो मौ दो बार पढ़ा जा रहा था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर करना है। आधा ब है, पूरा ब है, तो सोच लीजिए कि ब को उर्दू में क्या कहते हैं, ब को उर्दू में बे कहते हैं, और बे को दो बार पढ़ने के लिए बस बे के ऊपर इसी तरह तशदीद लगा दीजिए। अब ये बे भी दो बार पढ़ा जाएगा। उसके बाद से लास्ट में क्या है, ते है, तो उर्दू में, यानी कि तो है, तो उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं, बस लिख दीजिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जिस तरह मोहम्मद लिखे ना, उसी तरह आप लोग मोहब्बत भी लिख सकते हैं। तो देखिए मीम का आधा भाग उठा लेना है, जिस तरह यहाँ पर उठाए थे मीम का आधा भाग, मीम के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग मन में मानेंगे, और ये जो हे है, हे का भी जिस तरह यहाँ पर आधा भाग उठाए थे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी आधा भाग उठा लेना है, ठीक है। हे से हा हो गया, और फिर मीम का जिस तरह आधा भाग यहाँ पर उठाए थे और मीम के ऊपर तशदीद लगा दिए थे, बिल्कुल उसी तरह ये जो बे है ना, बे का भी आधा भाग ऐसे उठा लेना है, देखिए ऐसे, ठीक है। बे का आधा भाग ऐसे उठा लिए, और बे के ऊपर क्या है, तशदीद है, चलिए मैं लगा देती हूँ, बे को दो बार पढ़ा जाएगा, और बस ये जो ते है, जो ते से त हो रहा था, पूरा का पूरा ले जाकर ते को चिपका देना है इसी में, ठीक है। अब इसको पढ़िए, मीम के ऊपर पेश जुड़कर मो, हे से ह, और बे को दो बार पढ़ा जाएगा और ते से त, तो मो हब बत, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, ये मोहम्मद और ये मोहब्बत। आई होप आप लोगों को अब फाइनली समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस ये जो तशदीद है ना, इसको मिटा दीजिए। मैं आप लोगों को बताई हूँ कि तशदीद हो, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, है वो वगैरह नहीं लिखा जाता है। तो ये हो गया मोहम्मद और ये हो गया मोहब्बत। आगे बढ़ते हैं, अगला है भोजपुरी। भोजपुरी अगर आप लोगों को उर्दू में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहला अक्षर है भो। भ को उर्दू में क्या कहते हैं, सोचिए, जिस तरह बी से ब इंग्लिश में होता है और बी में एच जोड़ देते हैं, बी एच से ब, बिल्कुल उसी तरह उर्दू में बे से ब होता है, और इसी बे का आधा भाग ऐसे मिटाकर इसी बे में एच यानी कि ऐसे हे जोड़ देते हैं, तो ये पढ़ा जाता है भ। इसको मैं अच्छा से लिख दे रही हूँ, हाँ, तो बे का, बे में ये एच यानी कि हे जोड़ दिए, तो ये हो गया भ। और यहाँ पर क्या बनाना है, भो बनाना है, ओ की मात्रा में बदलना है भ को। तो ओ की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर पेश जोड़कर और वाव जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ पेश लगाए तो ओ की मात्रा में बदल गया, लेकिन अब यहाँ पर वो कंडीशन नहीं चलेगा। अब नॉर्मली आप लोगों को ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ देना है, ये तो हमेशा चलता रहता है, कभी कभी
ऐसा कंडीशन आता है कि ऊपर पेस्ट लगाने सिर्फ पेस्ट लगा देने से वो ओ की मात्रा में बदल जाता है, जो कि यहाँ पर हुआ। लेकिन अब आप लोगों को जितने भी अक्षर को ओ की मात्रा में बदलना है उसमें ऊपर पेस्ट लगाकर वाव जोड़ देना है। तो देखिए भ है, भ के ऊपर पेस्ट लगाकर इसमें वाव जोड़ दीजिए, ये भो हो जाएगा। और उसके बाद से ज है, ज को उर्दू में क्या कहते हैं, जिम कहते हैं, लिख दीजिए। जिम से ज हो गया, पू है। प को उर्दू में क्या कहते हैं, पे कहते हैं, और यहाँ पर पू है ना। तो देखिए पू में कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो पू में छोटा वाला ऊ है, ठीक है, मतलब ये वाला ऊ है। तो इस तरह छोटा वाला ऊ की मात्रा में बदलने के लिए किसी भी अक्षर को हम लोग क्या करते हैं उर्दू में, उस अक्षर के ऊपर सिर्फ पेश लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग वाव भी लगाएंगे, ठीक है। पे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो जाएगा पू, पे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर पू हो जाएगा। और फिर देखिए री है, रॉ को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं, और री में बड़ी वाली ई की मात्रा है। किसी भी अक्षर को बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर उसमें छोटी ए जोड़ देते हैं, तो बड़ी वाली ई की मात्रा में बदल जाता है। ये हर एक चीज़ में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, अ आ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ ए ए, और ओ तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ए मात्रा तक के शब्दों को मैं आप लोग ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोग जानते होंगे कि ऊ और ई की मात्रा में कैसे बदला जाता है, ए की मात्रा में कैसे बदला जाता है, ए की मात्रा में कैसे बदला जाता है, ये हर एक चीज़। तो अब इन सबको जोड़िए। देखिए सबसे पहले भ के ऊपर पेश और वाव जोड़कर इन दोनों को भो बनाइए। तो देखिए जिस तरह भ लिखा है उसी तरह भ लिख देना है। भ के ऊपर पेश है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो वाव है इसी भ में आकर ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये हो गया भो, भ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर भो। और फिर जिम का आधा भाग ऐसे उठा लेना है, जिम का आधा भाग उठा लिए, ठीक है। और इसी जिम के आधे भाग में पे का आधा भाग ले जाकर ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। पे का आधा भाग जोड़ दिए और पे के ऊपर क्या है, पेश है, बस ये जो वाव है इसी पे में आकर ऐसे जुड़ जाएगा। पे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया पू। और ये जो रे है ना, जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए। रे के नीचे जेर है, हम लोग मन में मानेंगे, लिखेंगे नहीं, बस ये जो छोटी ये है ले जाकर इसी रे में चिपका दीजिए। तो देखिए भू, ये जिम से ज हो गया, पे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर पू और री, तो भोजपुरी, भोजपुरी इस तरह लिखा जाता है भोजपुरी उर्दू में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ओमकारा। ओमकारा कैसे लिखेंगे, लिखना है आप लोगों को ओमकारा। तो सबसे पहला अक्षर क्या है, ओ। ओ को उर्दू में क्या कहते हैं, ओ को उर्दू में मैं आप लोग को बताई हूँ ना, अलिफ से अ होता है और अलिफ के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दो तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ओ पढ़ा जाएगा। किसी भी अक्षर को ओ की मात्रा में बदलने के लिए उस अक्षर के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ देते तो ओ हो जाता है। तो अलिफ से अ होता है, इसको ओ बनाने के लिए अलिफ के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए तो ये ओ पढ़ा जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी करना है, अलिफ से अ और अलिफ के ऊपर पेश लगाकर इसमें वाव जोड़ दीजिए, ओ हो जाएगा। फिर म है, म को उर्दू में क्या कहते हैं, म को उर्दू में मीम कहते हैं, लिख दीजिए। और का है, क को उर्दू में काफ कहते हैं, का बनाने के लिए, काफ से तो क हो गया, का बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं, रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। बस इन सबको अब जोड़ देना है आप लोगों को, अलिफ के ऊपर पेश है, ठीक है, हम लोग मन में मानेंगे, बस ये जो वाव है आकर अलिफ में चिपक जाएगा। तो अलिफ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया ओ, और बस ये मीम ले जाकर इसी में चिपका देना है। तो ये हो गया ओम, ओम हो गया। उसके बाद से काफ का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, और ये जो सीधा वाला भाग है ना, बस इसको ऐसे गोल कर दीजिए, ठीक है, काफ का आधा भाग, और इसी काफ के आधे भाग में अलिफ ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। तो काफ में अलिफ जुड़कर का, और रे है, रे ले जाकर चिपका दीजिए, और इसी रे में ये जो अलिफ है ले जाकर चिपका देंगे तो रे में अलिफ जुड़कर रा हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया ओम कारा, ओमकारा, ओमकारा नाम वगैरह होता है तो जो भी है, तो ओमकारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, सोमनाथ लिखना है उर्दू में, कैसे लिखेंगे। सबसे पहला अक्षर है सो, सौ को उर्दू में कहते हैं सीन, लिख दीजिए। सीन से सौ हो गया। सो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, सीन के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ देंगे तो सो हो जाएगा। फिर माँ है, माँ को उर्दू में क्या कहते हैं, नीम कहते हैं, लिख दीजिए। फिर ना है, ना को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं, ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। था है, था को उर्दू में क्या कहते हैं, तो जिस तरह टी से था और टी एच से था, बिल्कुल उसी तरह उर्दू में ते से त होता है, और इसी ते के आधे भाग को मिटाकर इसमें एच यानी कि हे जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है थ। तो ये हो गया थ, ठीक है। अब इन सब को जोड़िए, सीन का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, नोकीदार भाग, 50% भाग। तो सीन ये हो गया, और सीन के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग मन में मानेंगे। मैं आप लोग को बार बार बताई हूँ कि जबरदस्त पेश वगैरह नहीं लिखा जाता है, मन में माना जाता है। तो सीन के ऊपर पेश हो गया, और वाव, वाव ले जाकर सीन में जोड़ दीजिए। तो सीन के ऊपर पेश और वाव जुड़कर सो, और बस ये जो मीम है ले जाकर चिपका देना है। तो ये हो गया सोम, और नून का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और अलिफ जोड़ देंगे तो ना हो जाएगा, ये ना हो गया। और जिस तरह थ है ना, उसी तरह लाकर यहाँ पर बस जोड़ देना है, चिपका देना है बस, तो ना और थ नाथ, तो सोम नाथ। आप चाहेंगे तो इस मीम का आधा भाग को ऐसे मिटाकर इसी नून में जोड़ सकते हैं ऐसे। देखिए मीम का आधा भाग है ना, इस मीम का आधा भाग उठा लीजिए, और नून का भी आधा भाग उठाकर इसी में मीम के आधे भाग में जोड़ दीजिए, और नून में अलिफ जोड़ दीजिए, ना हो जाएगा, और था। इस तरह से भी आप लोग सोमनाथ लिख सकते हैं, या फिर आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अगर आप लोगों को धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। क्वालिटी बढ़ाने का भी ऑप्शन आता है, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और 480 पिक्सल में कर देखेंगे या फिर 720, तो आप लोग को एकदम साफ और क्लियर दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र या फिर आप लोग जूम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम करने का भी ऑप्शन आता है। लोकतंत्र जो कि हिंदी का शब्द है, इसको कैसे लिखेंगे उर्दू में, तो देखिए लोकतंत्र में सबसे पहला अक्षर क्या है, लो, हम लोग का भारत जो देश है ये लोकतंत्र है ना, तो लोकतंत्र। लॉ है तो लॉ उर्दू में लाम कहते हैं, आप लोग जानते हैं लाम से तो लॉ हो गया, लेकिन लो ओ की मात्रा में बदलने के लिए लाम के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा लो। फिर क्या है, कौ उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। त है, त को उर्दू में ते, तो यहाँ पर लिखिए ते हो गया, ते से तो त हो गया। अब देखिए ऊपर बिंदु वाला ना है, तो ऊपर बिंदु वाले न को उर्दू में क्या कहते हैं, नून ही कहते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए नून। ठीक है, ऊपर बिंदु वाले न के लिए नून हो गया, लेकिन फिर यहाँ पर त्र है तो त्र का तो मैं बता ही नहीं हूँ आप लोगों को कभी भी कि त्र को उर्दू में कैसे लिखा जाता है, आप लोग जानते हैं। देखिए क्या करना होता है, त्र के लिए सिंपली ते और रे को एक साथ जोड़ देना रहता है, ये है त्र, ते और रे एक साथ जुड़कर ये कहलाता है त्र, ते है ते का आधा भाग और इसी में रे जोड़ देना रहता है, बस ये त्र पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये हो गया त्र। अब इन सबको जोड़िए, लाम का आधा भाग उठा लीजिए, फटाफट उठा लिए, लाम के ऊपर क्या है, पेश है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए लाम में ऐसे, तो लाम के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया लो, और काफ को पूरा का पूरा लाकर यहाँ पर लिख दीजिए, तो काफ से क लो और क लोक हो गया। अब ते का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, ठीक है, और ते के आधे भाग में नून का आधा भाग ले जाकर ऐसे जोड़ देना है, तो ये हो गया नून, ये हो गया ते से त और नून से ऊपर बिंदु वाला ना, और फिर ये त्र जो है ना, ये त और र, ते और रे इसी में लेकर ऐसे, देखिए इस तरह है ऐसे, तो यहाँ पर भी ऐसे लाकर ऐसे जोड़ देंगे, तो ये हो गया ते और ये हो गया रे, त और र, त्र। तो देखिए लोक, ते से त, ये जो ना है आधा ना, इससे बिंदु वाला ना हो जाएगा, और फिर ये हो गया त और त्र, तो लोकतंत्र, लोकतंत्र, ये हो गया आप लोगों का लोकतंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राजतंत्र। जिस तरह आप लोग लोकतंत्र लिखे यहाँ पर, बिल्कुल उसी तरह राजतंत्र भी लिखाएगा, बस यहाँ पर राज आ गया है, तंत्र तो इसी तरह रहेगा। तो देखिए रा, रा उर्दू में रे कहते हैं, रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए, और ज है, ज उर्दू में जिम कहते हैं, और उसी तरह है त उर्दू में ते, और ऊपर बिंदु अल्लाह न के लिए नून, और फिर त्र है तो त्र के लिए ये हो गया त्र। ठीक है, ते और रे, अब इन सबको जोड़ दीजिए, रे में अलिफ चिपका देना है बस, और जिम भी ले जाकर चिपका देना है, तो ये हो गया राज। और तंत्र, जिस तरह यहाँ पर तंत्र इन तीनों को जोड़कर लिखे थे, उसी तरह इन तीनों को भी जोड़कर तंत्र लिख दीजिए, ते का आधा भाग ये हो गया, और फिर नून का आधा भाग इसी में ले जाकर जोड़ दीजिए, और फिर ये जो ते है इसी में आकर ऐसे जोड़ देंगे, तो ये हो गया तंत्र, राज और तंत्र, राजतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, बकलोल। इस तरह आप लोग देखिए कितने अच्छे तरीके से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। अब मेरे बनाने से पहले आप लोग खुद अपने माइंड में सोचिए कि हाँ ये इस तरह लिखा जाना चाहिए, और फिर मैं आप लोग को बनाकर बता रही हूँ, लिखकर बता रही हूँ, तो मिलाइए कि आप लोग सही सोचे कि नहीं, माइंड में ही सोच लीजिए, लिखने की ज़रूरत ही क्या है, माइंड में सोच लीजिए कि हाँ इसको ऐसे इस तरह लिखा जाएगा, फिर मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो मिला लीजिए कि आप लोग सही सोचे थे कि नहीं। ठीक है, बकलोल सोचिए अपने माइंड में कि किस तरह लिखा जाएगा, फिर मैं आप लोग को बता रही हूँ। बकलोल, ब है, ब को उर्दू में क्या कहते हैं, ब को उर्दू में बे कहते हैं, लिख दिए। उसके बाद है क, क उर्दू में कहते हैं काफ। लो है, लो को उर्दू में लाम कहते हैं, और लाम के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ देंगे तो ये लो हो जाएगा, और फिर लो है, लो उर्दू में लाम, तो अब जोड़ दीजिए इन सबको। बे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे, उठा लिए, और इसी बे के आधे भाग में आप लोगों को काफ का आधा भाग ऐसे ले जाकर जोड़ देना है, जोड़ दिए, बे से ब और काफ से का बक हो गया। बस लाम का आधा भाग ले जाइए और इसी काफ वाले आधे भाग में जोड़ दीजिए, लाम का आधा भाग जुड़ गया, लाम के ऊपर क्या है, पेश है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए, तो लाम के ऊपर पेश और वाव जुड़कर लो, और लाम को बस पूरा, ये जो पूरा का पूरा लाम है ना, इसको ला जा लेकर यहाँ पर आकर चिपका दीजिए, तो लाम से ला हो गया, तो बक लो और ला, बकलोल, बकलोल आप लोग बोले होंगे बहुत सारे लोग, और आपको भी बहुत सारे लोग बोले होंगे, और आप दूसरों को बोले होंगे, तो बकलोल हो गया। तो इस तरह लिखा जाता है उर्दू में, बकलोल लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सरोजनी। सरोजनी कैसे लिखेंगे, सरोजनी से याद आया, सरोजनी नायडू, बताइए कौन है कमेंट में, सरोजनी कैसे लिखेंगे आप लोग। सौ को उर्दू में क्या कहते हैं, सीन कहते हैं, लिख दीजिए, सीन से सौ हो गया। रो है, रो को उर्दू में कहते हैं रे, और रो बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए, रो हो जाएगा। जो है, जो को उर्दू में जीम कहते हैं, लिख दीजिए। और फिर नी है, नौ को उर्दू में नून, लेकिन नी बनाने के लिए सबसे पहले देखिए कि नी में कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो नी में बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो जब किसी भी अक्षर को बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलना रहता है, तो उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर उसमें छोटी ई जोड़ देते हैं, तो वो अक्षर बड़ी ई की मात्रा में बदल जाता है। अब इन सबको जोड़ देना है, सीन का आधा भाग उठा लीजिए,
सीन से सौ हो गया, बस ये जो रे है इसी सीन में ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो सीन में रे जुड़ गया ये वाला रे, और रे के ऊपर क्या है पेश है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए, तो रे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर रो हो गया, सौ रो। बस ये जिम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और जिम के आधे भाग में नून का आधा भाग ऐसे जोड़ देना है। नून के नीचे क्या है, जेर है, मन में मानेंगे, बस ये जो छोटी है इसी में ले जाकर नून में जोड़ दीजिए, तो नून के नीचे जेर और छोटी जुड़कर ये बड़ी वाली नी, तो सौ रो ज नी, सरोजनी सरोजनी सरोजनी, इस तरह लिखाएगा सरोजनी। आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोग अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ इस तरह से अब लिखा जाएगा। अब आप लोग आसानी से लिख लेंगे ना, तो खुद से अब बनाने की कोशिश कीजिए, खुद से लिखने की कोशिश कीजिए माइंड में, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉपी में ही आप लोग लिखेंगे। अनमोल, अनमोल कैसे लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर है अ, अ को उर्दू में क्या कहते हैं, ये तो बड़ा ही सिंपल है, अ को उर्दू में अलिफ कहते हैं, लिख दीजिए, अलिफ से अ हो गया। न को उर्दू में नून कहते हैं, लिख दीजिए, नून से न हो गया। मो है, म को उर्दू में मीम कहते हैं, मो बनाने के लिए मीम के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए, मो हो गया। और ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं, बहुत बढ़िया, तो अब जोड़ दीजिए, ये तो एकदम हलवा है। देखिए अनमोल लिखना एकदम हलवा है सच में, देखिए अलिफ जिस तरह लिखा है ना, अलिफ लिख दीजिए, ये हो गया अलिफ से अ। नून का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे, नून का आधा भाग उठा लिए, और मीम का ये बिंदु वाला आधा भाग है ना, इसको भी उठा लेना है और इसी नून के आधे भाग में जोड़ देना है, तो मीम का ये आधा भाग हो गया, और मीम के ऊपर क्या है पेश है, लेकिन हम लोग मन में मानेंगे, तो मीम के ऊपर पेश, बस ये जो वाव है ले जाकर इसी मीम में जोड़ दीजिए। तो देखिए ये अलिफ से अ, नून से न, और मीम के ऊपर पेश और वाव जुड़कर मो, और लाम से ये हो गया ल, तो अन मो ल, अनमोल अनमोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, योगदान, योगदान भी हिंदी का शब्द है, लेकिन इसको उर्दू में कैसे लिखेंगे, तो देखिए यो है, या को उर्दू में क्या कहते हैं, छोटी ये कहते हैं, लिख दीजिए यहाँ पर, इसको भी आप लोग उर्दू में लिख सकते हैं एकदम आसानी से, ये से य हो गया, छोटी ये से य, लेकिन इसको यो बनाने के लिए इस ये के ऊपर भी हम लोग पेश जोड़ेंगे और वाव जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर ग है, ग को उर्दू में आप लोग जानते हैं गाफ कहते हैं, और फिर दा है, द को उर्दू में दाल, दा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए, फिर न है, न को उर्दू में नून कहते हैं, अब जोड़ दीजिए फटाफट। ये है, आप लोग जानते हैं कि ये जो छोटी है होती है या फिर बड़ी है, किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है ना, ये अपना शक्ल चेंज कर लेती है, रूप बदल लेती है, और अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है, तो ये हो गया छोटी ये, और छोटी ये के ऊपर क्या है पेश है, बस ये जो वाव है ले जाकर जोड़ दीजिए ये में, तो ये के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया यो, यो हो गया। और फिर ये जो गाफ है ना, गाफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, बहुत बढ़िया, गाफ का आधा भाग उठा लिए ये वाला, और गाफ का आधा भाग उठा लेने के बाद ये जो दाल है ना, इसी को ले जाकर इसी में जोड़ देना है, तो दाल जुड़ गया, और दाल में अलिफ जुड़कर दा बना दीजिए, और नून पूरा का पूरा ले जाकर चिपका दीजिए, तो ये हो गया यो ग दा न, योगदान लिखा गया, योगदान कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा हम लोग इसको फास्ट करेंगे, क्योंकि इतना पर आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, सिस्टम समझ में आ गया होगा कि किस तरह उर्दू में लिखना है और पढ़ना है। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसको हम लोग फास्ट करेंगे। खरगोश, ख को उर्दू में खे कहते हैं, र है, र को उर्दू में रे कहते हैं, गो है, ग को उर्दू में गाफ कहते हैं, गो बनाने के लिए गाफ के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए, श है, श को उर्दू में बड़ी शीन कहते हैं, बहुत बढ़िया, अब इन सबको जोड़ दीजिए, खे का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, खे का आधा भाग उठा लिए और इसी में रे जोड़ दिए, तो खे से ख और रे से रा, तो ये हो गया खर, और गाफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और गाफ के ऊपर क्या है पेश है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए, तो गाफ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर गो हो गया, और ये जो शीन है ना बिल्कुल उसी तरह ले जाकर यहाँ पर चिपका दीजिए, तो ये हो गया खरगोश, कितना आसान है खरगोश लिखना। आगे बढ़ते हैं, सोमवार, सोमवार दिन का नाम है, तो सोमवार कैसे लिखेंगे उर्दू में, हिंदी में तो आप आसानी से लिख सकते हैं, अब बात करते हैं उर्दू में, थोड़ा नया करते हैं हम लोग, ठीक है। सो है, सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, छोटी सीन, छोटी सीन से ये वाला डंटी वाला सौ होता है, और बड़ी सीन से तालाबे सौ होता है, आप लोग को पता होगा, तो ये हो गया छोटी सीन से सौ, लेकिन सौ बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिए, म है, म उर्दू में मीम कहते हैं, वा है, वा उर्दू में वाव, और वा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए, र है, र उर्दू में रे कहते हैं, जोड़ दीजिए, सीन का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, उठा लिए, सीन के ऊपर पेश है, बस वाव ले जाकर ये जोड़ दीजिए, तो सीन के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया सो, मीम ले जाकर इसी में आप चाहे तो पूरा भी मीम लिख सकते हैं और चाहे तो आधा भी लिख सकते हैं, चलिए मैं आधा ही लिखती हूँ, आधा मीम लिखती हूँ ऐसे, मीम का आधा भाग लिख लेती हूँ, आप दोनों लिख सकते हैं, पूरा मीम भी लिख सकते हैं और आधा मीम भी लिख सकते हैं, तो मीम का आधा भाग उठा लिए, ये हो गया मीम, और इसी मीम के आधे भाग में वाव को ले जाकर जोड़ देना है, और वाव में अलिफ चिपका देना है, वाव हो जाएगा, और रे को पूरा का पूरा ले जाकर चिपका देना है, तो ये हो गया सीन के ऊपर पेश और वाव जुड़कर सो, म, वा, र, सोमवार। अगर आप लोग पूरा मीम लिखते हैं तो देखिए ऐसे लिखा जाता है, सीन के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये सो, और मीम को अगर आप लोग पूरा लिखते हैं तो पूरा लिखिए ऐसे,
और फिर वाओ को आपको अलग लिखना पड़ता है, वाओ में अलिफ जोड़कर वा और रे से रा, तो इस तरह पूरा मीम लिखते हैं तो इस तरह लिखा जाता है, सोमवार सोमवार, इस दोनों तरह लिख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं अखरोट। अखरोट में सबसे पहला अक्षर है आ, आ को उर्दू में अलिफ कहते हैं, ये तो एकदम आसान है। ख को उर्दू में खे कहते हैं, तो लिख दीजिए खे से ख। उसके बाद से रो है, रा को उर्दू में रे कहते हैं, और इसको ओ की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ देंगे। और ट है, तो ट को उर्दू में हम लोग क्या कहते हैं, फटाफट बताइए, ट को उर्दू में हम लोग कहते हैं टे, तो लिख दीजिए टे। ठीक, अब अलिफ जिस तरह है उस तरह लिख देना है, और इसी में खे ले जाकर चिपका देना है, खे का आधा भाग। ठीक है, खे का ऐसे आधा भाग, तो ये हो गया खे से ख। और रे जो है ना, इसी रे को ले जाकर खे में जोड़ देना है, तो अ ख, और ये हो गया रे, रे के ऊपर क्या है पेश, और इसमें वाव जोड़ दीजिए, तो रे के ऊपर पेश और वाव जोड़कर रो, और टे ले जाकर पूरा का पूरा चिपका देना है, टे से ट, तो अख रो ट, अखरोट। आगे बढ़ते हैं, कितना आसान है, इस तरह आप लोग खुद से लिख सकते हैं और खुद से शब्द तैयार कर सकते हैं, इस तरह के हिंदी के ढेर सारे शब्द चार अक्षर से मिलकर बने ओ मात्रा वाले शब्द आप लोग खुद लिख कर तैयार कर सकते हैं, और उसको उर्दू में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। बस आप लोग को सीक्वेंस पता होना चाहिए, सिस्टम पता होना चाहिए कि किस तरह बदला जा रहा है और किस तरह लिखा जा रहा है। ठीक है, माँ है, माँ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं। और हाँ, अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो और ऑल लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो मीम से तो माँ हो गया नो, ना को उर्दू में कहते हैं नून, नो नून से तो ना हो गया, नो बनाने के लिए नून के ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दिए। फिर हा है, हा को उर्दू में ये छोटी है कहते हैं, ये वाले हे से भी हा होता है, लेकिन हम यहाँ पर छोटी हे का यूज़ करेंगे। ठीक है, छोटी हे से हा हो गया, और फिर रे से रा। अब जोड़ दीजिए, मीम का आधा भाग उठा लेना है, ये उठा लिए मीम का आधा भाग, और मीम के आधे भाग में नून का आधा भाग ऐसे ले जाकर जोड़ देना है, नून के ऊपर पेश है, बस वाव ले जाकर जोड़ दो, नून के ऊपर पेश और वाव जुड़कर नो हो गया। और ये जो हे है आप लोग जानते हैं, किसी दूसरे अक्षर में जुड़ता है ना है, तो अपना शकल चेंज कर लेता है और ऐसा शकल बना लेता है, आप लोग को पता होगा। जिस तरह आप लोग मैथ में सिक्स लिखते हैं, बस इसी को छोटा कर दीजिए ऐसे, तो ये पढ़ा जाएगा, और इसको ऊपर से ऐसे कर दीजिए, तो ये पढ़ा जाएगा हे। ठीक है, उर्दू में तो ये हो गया, ये जो हे है अपना शकल चेंज करके ऐसा रूप ले लिया, शकल बना लिया, हे से हा हो गया, और इसी हे में रे ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये हो गया ह और र। तो माँ नो ह र मनोहर। आगे बढ़ते हैं दोपहर। ये भी लिखना बहुत आसान है, दोपहर तो लिखना आसान है। देखिए, दो है, द को उर्दू में दाल कहते हैं, दो बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए। प है, प को उर्दू में पे कहते हैं, पे से प हो गया। ह, ह को उर्दू में क्या कहते हैं, यही वाला है, छोटी है, और उसके बाद से र, र को उर्दू में रे, बस जोड़ दीजिए। दाल जिस तरह लिखा है लिख देना है, दाल के ऊपर तो पेश है, बस वाव ले जाकर चिपका दीजिए, तो दाल के ऊपर पेश और वाव जुड़कर दो, पे का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और पे में ये जो हे है अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेगा। देखिए, एक इस तरह शक्ल चेंज करता है ये वाला है, और एक इस तरह चेंज करता है, तो यहाँ पर जो है ना इस तरह करेगा, इसी तरह शक्ल बना लेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हे जो है ना शक्ल चेंज करके पे में जुड़ गया, और इसी हे में ये रे जाकर चिपक जाएगा ऐसे। तो देखिए, दो प ह र, ये है पे, और ये है हे, और ये रे, तो दो प ह र, दोपहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मोबाइल। मोबाइल को उर्दू में कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं इसको भी। वैसे तो मोबाइल भी इंग्लिश का लफ्ज़ है, वर्ड है। ठीक है, तो मोबाइल कैसे लिखेंगे उर्दू में, देखते हैं। मीम को उर्दू में, माँ को उर्दू में मीम कहते हैं, मीम से माँ हो गया, ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दिए, मुँह हो गया, बा है, बा को उर्दू में, बा को उर्दू में कहते हैं। बे, बा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए, और यहाँ पर ई है, ई है। ठीक है, ठीक है, तो अभी यहाँ पर ई है, छोटी ई, तो आप लोग क्या करेंगे, सोच रहे होंगे कि अलिफ के नीचे ज़ेर लगा दिया जाता है, तो ये ई पढ़ा जाता है, छोटी वाली, तो यहाँ पर भी अलिफ के नीचे ज़ेर लगा दो, ई हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, दो बार अलिफ अलिफ हो जा रहा है ना, तो कभी भी दो बार रिपीट नहीं होता है उर्दू में, यहाँ पर दो बार अलिफ अलिफ नहीं होगा। तो अब हमें ई बनाने के लिए क्या करना होगा, बे में तो अलिफ जोड़ना है क्योंकि बा बनाना है, तो बे में अलिफ जुड़कर ये तो बा हो जाएगा, लेकिन हम ई बनाने के लिए क्या करें, ई को उर्दू में कैसे लिखें। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताई हूँ कि हमजा से भी यह होता है, और हमजा के नीचे अगर आप लोग ज़ेर लगा दिए तो ये इसको ई पढ़ा जाएगा, छोटी वाली ई। तो हमजा के नीचे ज़ेर लगा दीजिए तो ये ई पढ़ा जाएगा। ध्यान रहे, यहाँ पर अलिफ के नीचे ज़ेर लगाकर भी छोटी वाली ई होता है, इनफैक्ट अलिफ के नीचे ज़ेर लगाकर ही छोटी वाली ई होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसलिए नहीं लगा रहे ना क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से अलिफ है, फिर यहाँ पर हम लोग अलिफ लगाकर नीचे ज़ेर लगाएंगे तो दो बार अलिफ हो जाएगा, जो कि नहीं लिखा जाता है उर्दू में। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग हमजा का यूज़ कर रहे हैं, हमजा के नीचे ज़ेर लगा दीजिए, ये हो गया ई। और फिर लॉ है, लॉ को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं, लिख दीजिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए, मीम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, उठा लीजिए, मीम के ऊपर है पेश, वाव जोड़ दीजिए, ये हो गया मो, और बे का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, बे में अलिफ जोड़ दीजिए, बा हो गया। और ये जो हमजा है आप लोगों को पता होगा, ये भी दूसरे अक्षर में जुड़ता है ना, तो बस इस तरह करके ये जो हमजा का शक्ल होता है छोटा हो जाता है ऐसे, ऐसे ऐसे लिखा जाता है ना हमजा, कि इसको, हाँ आप लोग फोर लिखते हैं ना इस तरह, चार
मैथ में, तो बस इसको आप लोग क्या करेंगे, इस तरह जो चार लिखते हैं बस इसको थोड़ा टेढ़ा कर देंगे ऐसे, तो इस तरह लिखा जाता है हमजा, ठीक है। तो बस इसको साइज़ में छोटा कर देना है हमजा को, और इस तरह करके, तो ये जो हमजा है ना शक्ल चेंज करता है किसी दूसरे अक्षर में जोड़ने के लिए ऐसा। तो यहाँ पर भी ये जो हमजा है इसी तरह शक्ल चेंज करके और इस तरह अपना शक्ल बना लेगा। देखिए हमजा के नीचे क्या है, ज़ेर है, तो ये हो गया हमजा के नीचे ज़ेर जुड़कर ई, और बस ये जो लाम है ना लाम, इसको ले जाकर इसी हमजा में जोड़ देना है। तो लाम से ला, हमजा के नीचे ज़ेर जुड़कर ई और लाम से ला, तो मो बा ई ल मोबाइल। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है गोरखपुर, लिखना है तो कैसे लिखेंगे। गोरखपुर बहुत ही ज़्यादा आसान है। गो है, गौ को उर्दू में गाव कहते हैं, गाव से गौ हो गया, गो बनाने के लिए ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दिए। र है, र को उर्दू में रे कहते हैं, और ख है, ख को उर्दू में जिस तरह काफ से कौ और का सॉरी के से कौ इंग्लिश में, और के एच से ख, बिल्कुल उसी तरह उर्दू में काफ से कौ होता है और काफ के आधे भाग में एच यानी कि हे जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है ख। खे से भी होता है लेकिन हम लोग यहाँ पर ये वाले ख का यूज़ करेंगे, ठीक है। ख हो गया, और उसके बाद है पू, प को उर्दू में क्या कहते हैं, पे कहते हैं, और पू बनाने के लिए देखिए बड़ा वाला पू है ना, पू में कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, बड़ा वाला ऊ की मात्रा, यानी कि जब भी किसी अक्षर को बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदलना रहता है तो हम उस अक्षर के ऊपर पेश लगाकर उसमें वाव जोड़ देते हैं। तो पे से तो प हो जा रहा था लेकिन इसको बड़ा वाला पू की मात्रा में बदलने के लिए पे के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिए। उसके बाद से रह है, रह उर्दू मेरे कहते हैं, फटाफट जोड़िए। गाव का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे, और गाव के आधे भाग में क्या करना है, गाव के आधे भाग में ये वाव ले जाकर जोड़ देना है। तो गाव के ऊपर तो पेश ही है, गाव के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया गो, और जिस तरह रे लिखा है ना लिख दीजिए, और ये जो ख है टोटल जिस तरह लिखा है उसी तरह आप लोग को लाकर लिख देना है। ये हो गया ख, और इसी ख में आप लोगों को पे का आधा भाग ऐसे जोड़ देना है। पे का आधा भाग जोड़ दिए, और इसी पे के ऊपर क्या है, पेश है, बस वाव ले जाकर जोड़ देना है। तो पे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया पू, और रे ले जाकर बस लास्ट में आप लोगों को ये वाला जो रे है इसको ले जाकर चिपका देना है। तो देखिए गो रख, रे से रा और ये है ख, तो गो रख पू और रा, गोरखपुर। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जरा मैं देख लूँ आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ फाइनली दिखाई दे रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया गोरखपुर, गो र ख पू, पे के ऊपर पे शुरुआत जुड़कर पू और गोरखपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइल, प्रोफाइल कैसे लिखेंगे, इसमें पांच अक्षर है ना, 1 2 3 4 5, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पांच अक्षर वाला है। गोरखपुर में भी तो पांच अक्षर था, कोई बात नहीं है, 4 5 सब मिक्स है। तो प है, प को उर्दू में पे कहते हैं, ठीक है, पे लिख दिए। र को उर्दू में रे कहते हैं, ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए, रो हो जाएगा। फा है, फा को उर्दू में फे कहते हैं, फे से तो फा हो गया, फा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। ई है, जिस तरह यहाँ पर देखिए फे में अलिफ जुड़कर ये फा हो गया ना, यहाँ पर अलिफ है, फिर भी यहाँ पर फा के बाद अलिफ के बाद ई बनाने के लिए अलिफ के नीचे ज़ेर लगा नहीं सकते हैं क्योंकि दो बार अलिफ हो जा रहा है। तो अभी मैं आप लोग को क्या बताई, यहाँ पर हमजा के नीचे ज़ेर लगा दीजिए, ये पढ़ा जाएगा ई। तो हमजा के नीचे ज़ेर लगाकर ये हो गया छोटी ई, फे में अलिफ जुड़कर फा और हमजा के नीचे ज़ेर लगाकर ये हो गया ई, छोटी वाली ई। और ल है, ल उर्दू में लाम कहते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, जोड़ दीजिए। पे का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और पे के ऊपर पे, तो पे से तो प हो गया, और उसके बाद से ये जो है रे, रे को इसी पे में ले जाकर जोड़ देना है। रे के ऊपर तो पेश है, बस वाव ले जाकर चिपका दीजिए। तो पे से प, रे के ऊपर पेश और वाव जोड़कर रो, ठीक है। अब ये जो फे है ना, फे का आधा भाग उठा लेना है और फे में अलिफ जोड़ देना है, फे में अलिफ जोड़कर फा, तो प्रो फा हो गया है। पे से प, रे में अलिफ जुड़, रे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर रो और फा, फे में अलिफ जुड़कर फा, तो प्रो फा हो गया है, बस इल लिख देना है। तो देखिए हमजा के नीचे क्या है, ज़ेर है। अभी मैं आप लोगों को बताई, हमजा के नीचे जो ज़ेर जुड़कर ई बनता है ना, किसी दूसरे अक्षर में जाकर ये जुड़ती है तो इस तरह अपना शक्ल चेंज कर लेती है। तो यहाँ पर भी हमजा के नीचे ज़ेर, ये जो है ना हमजा, अपना शक्ल चेंज करके ऐसे हो जाएगी। तो हमजा के नीचे ज़ेर जुड़कर ये हो गया ई, और जिस तरह लाम जाकर यहाँ पर जुड़ा था बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी लाम जाकर एकदम सीधा ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पे से प, रे के ऊपर पेश और वाह जुड़कर रो, पे मेरी जुड़कर फा, और हमजा के नीचे ज़ेर जुड़कर ई और लाम से ला, तो प्रो फा इल, प्रो फा ई ल, प्रोफाइल, प्रोफाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम चोर, काम चोर में सबसे पहला अक्षर है का, का को उर्दू में कहते हैं काफ, काफ से क हो गया, का बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। माँ है, माँ को उर्दू में मीम कहते हैं, चो है, चौ को उर्दू में चे कहते हैं, और चो ओ की मात्रा में बदलने के लिए ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दिए। उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ देना है, काफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और काफ का जो आधा भाग है ना, ये वाला डंडा वाला भाग, इसको आप लोग ऐसे कर्व कर देना है, गोल कर देना है, और इसी में आपको अलिफ ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। तो काफ में अलिफ जुड़कर का हो गया, और बस मीम को ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए, ये हो गया काम। और चोर को लिख देना है अलग से, चे का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और चे के ऊपर क्या है, पेश है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए। तो चे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर चो, और ऐसे रह चोर। तो
ये हो गया काम और ये हो गया चोर, काम चोर। आगे बढ़ते हैं हराम खोर। अगर आप लोग को उर्दू में लिखना है हराम खोर तो कैसे लिखेंगे? काम चोर तो लिखना सीख गए, अब देख लेते हैं जरा इसको कैसे लिखेंगे। हाँ है, हाँ को उर्दू में कहते हैं हे, ठीक है, हे से हाँ हो गया। रा है, रा को उर्दू में रे, रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। माँ है, माँ को उर्दू में मीम कहते हैं। लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा से मैं लिख दूँ, फास्ट के चक्कर में मैं राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। खो, खो कैसे लिखेंगे? खा को उर्दू में कहते हैं खे, और खो बनाने के लिए ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दीजिए, और फिर रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। हे का आधा भाग ऐसे उठा लेना है, ये हो गया हे से हा, इसी में रे ले जाकर जोड़ दीजिए और रे में अलिफ चिपका देना है। तो हे से हा, रे में अलिफ जुड़ कर रहा हरा, और ये जो है ना मीम, ये चिपका दीजिए ऐसे, तो ये हो गया हराम। और ये जो खे है ना, खे का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और खे के में वाव जोड़ देना है ऊपर, तो पेश है ही है, तो खे के ऊपर पेश और वाव जोड़ कर ये हो गया खो। और बस ये जो रे है ना, ले जाकर यहीं पर चिपका दीजिए, रो, रे से रा हो गया, तो खो और रा, तो हराम, और ये हो गया खोर, हराम खोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी, गोस्वामी में सबसे पहला अक्षर गो, ग को और उर्दू में क्या कहते हैं? गाफ कहते हैं। गाफ से ग हो गया, गो बनाने के लिए ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दीजिए, और उसके बाद से आधा सौ है, आधा सौ को उर्दू में, आधा सौ को, पूरा सौ को उर्दू में सीन कहते हैं। अब आधा सौ को क्या कहेंगे उर्दू में? बस इसी सीन का आधा भाग लिख दीजिए ऐसे, तो ये हो गया सीन। देखिए एक बार फिर से बता दे रही हूँ, पूरा सौ को ये सीन कहते हैं, छोटी सीन, लेकिन यहाँ पर आधा सौ है ना, तो सीन का भी आधा भाग मिटा दीजिए ऐसे, तो ये हो गया आधा सीन से आधा सौ। उसके बाद से है वाह, वाह को उर्दू में वाव कहते हैं, वाह बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। मी है, माँ को उर्दू में मीम कहते हैं, लेकिन मीम में देखिए कौन सी वाली ई की मात्रा है, तो मीम में बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो मीम से माँ हो जा रहा था, लेकिन इसको बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए इसके नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ देंगे, तो ये बड़ी वाली मी हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ देना है। गाफ का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट, गाफ का आधा भाग उठा लिए और गाफ के ऊपर पेश है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए, तो गाफ के ऊपर पेश और वाव जोड़कर ये हो जाएगा गो। और सीन का आधा भाग तो है ही है, इसी सीन के आधे भाग में वाव ले जाकर ऐसे जोड़ देना है, और वाव में अलिफ चिपका देना है, तो वाव में अलिफ जोड़कर वाह। और मीम जो है ना, मीम का आधा भाग, और मीम के आधे भाग में देखिए, मीम का आधा भाग तो हो गया, मीम के नीचे क्या है? जेर है, बस ये छोटी ये ले जाकर ऐसे जोड़ देना है, तो मीम के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर मी, तो गो सीन से आधा सौ, आधा सीन से आधा सौ, वाव में अलिफ जुड़कर वाह, मीम के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर बड़ी वाली मी, तो गो सो वामी, गो स्वामी, गो स्वामी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मदहोश। मदहोश में सबसे पहला अक्षर है म, म को उर्दू में कहते हैं मीम, उसके बाद द है, द को उर्दू में दाल कहते हैं, उसके बाद हे है, हे को ह यानी कि ह है, तो ह को उर्दू में हे कहते हैं, और ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए तो हो जाएगा। और शीन है यानी कि बड़े तलाबेशा है ना, तो तलाबेशा को उर्दू में बड़ी वाली शीन कहते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पर शीन। अब इन सबको जोड़ देना है। मीम का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, मीम का आधा भाग उठा लिया, और इसी में दाल जोड़ देना है, तो मीम से माँ और दाल से दही, हो गया मद। और हे का आधा भाग ऐसे उठा लेना है, और हे के ऊपर तो पेश है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए, तो हे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर हो, और शीन जो है ना जिस तरह लिखा है उस तरह ले जाकर ऐसे चिपका देना है, तो होश, तो मद होश, मद होश, कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है शब्द परोपकार। परोपकार कैसे लिखेंगे? पहला अक्षर है प, प को उर्दू में पे कहते हैं, लिख दिए। उसके बाद रो है, रो को उर्दू में रे कहते हैं, रो बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिए। फिर प है, प को उर्दू में पे कहते हैं, और फिर का है, का को उर्दू में, क को उर्दू में काफ, का बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ देना है। पे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, पे का आधा भाग उठा लिए, इसी में रे जोड़ दीजिए, रे के ऊपर पेश है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए, तो रे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर रो, परो हो गया, और फिर आधा भाग उठा लेना है ऐसे, पे का, ये वाले पे का आधा भाग, और फिर काफ का आधा भाग इसी जो है ना, इसी पे में ले जाकर जोड़ देना है। देखिए काफ का ये जो आधा भाग है ना, देखिए ऐसे ऐसे लेकर आएंगे, और ये जो सीधा वाला डंडा है, बस इसको ऐसे कर्व कर देना है, ठीक है। पे के आधे भाग में ये काफ का आधा भाग ले जाकर जोड़ देना है, बस ये सीधा वाला जो है यहाँ पर कर्व हो जाएगा, गोल हो जाएगा, और इसी काफ में अलिफ जोड़ दीजिए, का हो जाएगा, ठीक है। ज़रा इसको मैं अच्छा से लिख दूँ, देखिए ये हो गया पे का यहाँ पर आधा भाग, ठीक है, और काफ का ये जो है ना आधा भाग ऐसे ले जाकर यहाँ पर कर्व कर देना है, ठीक है, और इसी में अलिफ जोड़ देना है, तो काफ में अलिफ जोड़ कर का हो गया, पे से प हो गया, काफ में अलिफ जोड़ कर का, और बस रे ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए, तो देखिए प रो प का र, प रो प का र, परोपकार, परोपकार, तो ये हो गया आप लोगों का परोपकार। आई होप आप लोगों को ये हर एक शब्द
हर एक लफ्ज़ समझ में आया होगा और समझ में आ गया होगा कि कैसे चार अक्षर से बने वो मात्रा वाले शब्दों को उर्दू में लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। पांच अक्षर वाले भी थे, सभी तरह के शब्द थे। चलिए मैं आप लोगों को बोर्ड को मिटाकर और भी ढेर सारे शब्दों को लिखकर बताती हूँ और आप लोग खुद से भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। चार अक्षर से बने ओ मात्रा वाले शब्द जो है ना, आप लोग खुद हिंदी में लिखिएगा, नया अपने हिसाब से तैयार कीजिएगा और उसको उर्दू में लिखने और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पहले अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। अब चलिए देखिए, यहाँ पर बोर्ड पर मैं कुछ और भी शब्दों को लिख दी हूँ जो कि चार अक्षर से बने वो मात्रा वाले शब्द हैं और पांच अक्षर वाले भी हैं कुछ कच। तो इस तरह आप लोगों को खुद से अब अपने हिसाब से, देखिए आप लोगों का होमवर्क यही है कि चार अक्षर से बने वो मात्रा वाले हिंदी के शब्दों को सबसे पहले आप लोग अपने हिसाब से कॉपी पर लिखना है और फिर उसको उर्दू में लिख कर और पढ़कर प्रैक्टिस करना है। ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। देखिए सब लोग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सौ है, सौ को उर्दू में क्या कहते हैं, सीन कहते हैं। बौ है, बौ को उर्दू में बे कहते हैं। उसके बाद लो है, लौ को उर्दू में लाम कहते हैं, लो बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिए। उसके बाद है गौ, गौ को उर्दू में गाफ कहते हैं। चलिए अब इन सबको जोड़ देना है। सीन का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट, सीन के आधे भाग में बे का भी आधा भाग जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। सीन से सौ और बे से बौ, सब हो गया। और इसी में लाम का आधा भाग ऐसे ले जाकर जोड़ देना है, और लाम के आधा भाग तो जुड़ गया, और लाम के ऊपर क्या है, पेश है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए। तो लाम के ऊपर पेश और वाव जुड़कर लो और गाफ जिस तरह लिखा है ना, बिल्कुल उसी तरह ले जाकर लिख देना है। तो ये हो गया आप लोगों का सब लोग, या फिर आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, सीन का आधा भाग उठा लीजिए और बे जो है ना पूरा का पूरा ले जाकर इसी सीन में जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा सब अलग और लोग अलग लिख दीजिए। लाम का आधा भाग उठा लीजिए और लाम के ऊपर क्या है, पेश है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए। और गाफ जिस तरह लिखा है ना, यहाँ पर गाफ ले जाकर बस चिपका दीजिए। तो लाम के ऊपर पेश और वाव जुड़कर लो और गाफ सेगा, सब लोग और सब लोग, इस तरह दोनों तरफ लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इस तरह लिखा जाता है सब लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग में सबसे पहला अक्षर है ह, ह को उर्दू में कहते हैं छोटी हे। उसके बाद है म, म को उर्दू में कहते हैं मीम। लो है, लो को उर्दू में लाम, और लो बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिए। उसके बाद है ग, ग को उर्दू में गाफ कहते हैं। अब इन सबको जोड़ देना है। आप लोग जानते हैं ये जो है ना, ये छोटी है, ये किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है, ले ली रूप। हे से ह हो गया, बस ये जो मीम है इसी में ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। तो हे से ह और मीम से म, ये हो गया हम, ठीक है। अब ये जो लाम है, लाम का आधा भाग उठा लीजिए और इसी में वाव जोड़ दीजिए, और लाम के ऊपर तो पेश ही है, तो लाम के ऊपर पेश और वाव जोड़ कर लो और गाफ ले जाकर चिपका दीजिए इसे, तो लोग, हम लोग। आगे बढ़ते हैं आप लोग। आ जानते हैं, अलिफ से आ होता है, इसके ऊपर मद लगा देते हैं तो आ हो जाता है। उसके बाद है पौ, पौ को उर्दू में कहते हैं पे। उसके बाद है लो, लौ को उर्दू में कहते हैं लाम, और लो बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिए। और गौ है, गौ को उर्दू में गाफ कहते हैं, बस उसी तरह आप लोग को जोड़ देना है। अलिफ के ऊपर पेश तो लगा है, ये हो गया आ, और बस पे ले जाकर जोड़ दीजिए। तो ये हो गया आप, जरा अच्छा से मैं लिख दूँ, रुक जाइए। हाँ, अलिफ के ऊपर ये हो गया पेश, सॉरी अलिफ के ऊपर ये हो गया मद, अलिफ के ऊपर मद जुड़कर आ हो गया, और बस ये जो पे है ना ले जाकर जोड़ दीजिए। तो ये हो गया आप, और बस लोग जिस तरह लिखा जाता है, लाम का आधा भाग लेकर उसमें वाव जोड़ दीजिए, ऊपर क्या है, लाम के ऊपर पेश, तो लो और गाफ से गा, ये हो गया लोग। तो आप लोग, आप लोग, उसी तरह तुम लोग भी आप लोग लिख सकते हैं। ते से तो होता है और यहाँ पर तू है, तो तू में कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो किसी भी अक्षर को छोटा वाला ऊ की मात्रा में बदलना रहता है, तो हम उस अक्षर के ऊपर सिर्फ पेश लगा देते हैं। तो ते के ऊपर पेश लगा दीजिए, तो ये तू हो गया, तू हो जाएगा। उसके बाद है म है, म उर्दू में कहते हैं मीम। उसके बाद है लो, लौ उर्दू में लाम, जिस तरह यहाँ पर हुआ था लोग, उसी तरह यहाँ पर भी लिख देना है। लाम से ला हो गया, ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिए। और गा है, गा को उर्दू में गाफ कहते हैं, थोड़ा फास्ट में कर रही हूँ। ते का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और ते का, रुक जाइए अच्छा से लिख दूँ मैं, ते का आधा भाग ऐसे उठा लेना है, और ते के ऊपर क्या है, पेश है, तो ते के ऊपर पेश हम लोग रख दिए, मन में मान रहे हैं लेकिन लिखेंगे नहीं। ते के ऊपर पेश जुड़कर ये हो गया तू, छोटा वाला तू, और उसके बाद ये जो मीम है ना, बस ले जाकर इसी ते के आधे भाग में ऐसे जोड़ देना है। तो ते के ऊपर पेश जुड़कर तू और मीम से माँ, तुम हो गया, इस तरह लिखा जाएगा तुम। और बस ये लोग अलग से लिख दीजिए, लाम का आधा भाग उठा लीजिए, वाव जोड़ दीजिए, लाम के ऊपर पेश और वाव जुड़कर लो और गाफ से गा, ये हो गया लोग, तुम लोग। उसी तरह सभी लोग, सा आप लोग जानते हैं, सीन से सा होता है और भी है, जिस तरह बी से बा इंग्लिश में, और बी में एच यानी कि हे जोड़ देते हैं, बी एच से भा, उसी तरह उर्दू में बे से ब होता है और इसी बे के आधे भाग को मिटाकर इसमें एच यानी कि हे जोड़ देते हैं, तो ये बढ़ा जाता है भौ, भौ हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, भी है, आप लोग जानते हैं कि भी, इस भी में बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो किसी भी अक्षर को बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर छोटी ए जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा भी। उसके बाद से लोग है, तो लाम से ल हो गया और ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिए, लो और गाफ लिख दीजिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जिस तरह सीन लिखा है सीन का आधा भाग उठा लेना है, और इसी सीन में, सीन के आधे भाग में आप लोगों को क्या करना है, जरा अच्छा से मैं लिख दूँ, ये थोड़ा समझिए, सीन का आधा भाग उठा ली मैं, और जिस तरह ये भा है ना, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर लाकर ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया सीन से सा और ये हो गया भा, और भा के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग मन में मानेंगे, बस ये जो छोटी है ये हो गया
इसी भौ में आकर जुड़ गया। तो सीन से सौ और भौ के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर भी, सौ भी, ये सभी हो गया। इस तरह लिखा जाता है सभी, याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, सीन का आधा भाग उठा लेना है ऐसे और सीन से सौ हो जा रहा है। बस ये जो भ है ना, जिस तरह लिखा है उसी तरह लाकर ऐसे जोड़ देना है। भ हो गया और भ के नीचे क्या है, जेर है। हम लोग मन में मान रहे हैं बस ये जो छोटी है इसी में आकर ऐसे जुड़ जाएगी, ठीक है। तो भ के नीचे जेर और छोटी जुड़कर बड़ी वाली भी, सौ भी, ये सभी हो गया। और लोग तो आप लोग जानते हैं, इस समय से आप लोग लोग ही लिखते आ रहे हैं। बस लाम का आधा भाग उठा लेना है और वाव जोड़कर गफ जोड़ देना है। लाम के ऊपर पेश और वाव जोड़कर लो और गफ से का लोग हो गया, सभी लोग। निकोबार, निकोबार में सबसे पहला अक्षर है नी। नाक उर्दू में नून कहते हैं, लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, नी है। कौन सा वाला ई की मात्रा है नी में, तो छोटी वाली ई की मात्रा है। हम लोग क्या करते हैं छोटी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए, तो देर लगा देते हैं, देर लगा दिए। लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पर छोटी ये लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद है को, उर्दू में काफ कहते हैं, काफ से का हो गया, ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ देंगे तो को हो जाएगा। बा है, बा उर्दू में बे कहते हैं, बा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। उसके बाद है रा, रा उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ देना है। नून का आधा भाग उठा लेना है, नून के नीचे क्या है, जेर है। बस ये जो छोटी ये है इसी में ले जाकर जोड़ देंगे। तो नून के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर ये हो जाएगा नी। और काफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे आप लोगों को। काफ के ऊपर क्या है, पेश, बस वाव जोड़ दीजिए। काफ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर को, और बे में अलिफ जुड़कर ये हो गया बा और रे से रा। तो नी को, ये हो गया नी को बा र, निकोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं, चोकोबार। जिस तरह निकोबार लिखे उसी तरह चोकोबार लिख देना है। जैसे चौ होता है, चो बनाने के लिए ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दिए। को है, कॉक उर्दू में काफ कहते हैं, को बनाने के लिए ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दिए। फिर बा है, बा उर्दू में बे कहते हैं, बा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। उसके बाद रे से र, ठीक। अब जोड़ दीजिए चे का आधा भाग उठा लेना है। चे के ऊपर क्या है, पेश है, बस वाव जोड़ दीजिए। चे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर चो, और काफ का भी आधा भाग ऐसे उठा लेना है। और काफ के ऊपर भी क्या है, पेश है, बस वाव जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा को, चो, को हो गया। अब बे का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, और बे में अलिफ जोड़ दीजिए, बा और रे से रा, बार, चोको बार। आगे बढ़ते हैं, राजभोग। रे से रा हो गया, अच्छा से लिख दूँ जरा, रे से रा और अलिफ जुड़कर रा। जो है, जो उर्दू में जिम कहते हैं। उसके बाद है भो, इस तरह भ लिखा जाता है। इसको भो बनाने के लिए ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दीजिए। और गा है, गा उर्दू में गाफ कहते हैं। चलिए इन सबको जोड़ देना है। रे में अलिफ जुड़कर रा, और ये हो गया रा। उसके बाद से जिम को भी ले जाकर चिपका दीजिए, तो ये हो जाएगा राज। और जिस तरह ये भ लिखा है ना, उसी तरह आप लोगों को लिख देना है। और भ के ऊपर क्या है, पेश है, बस वाव ले जाकर इसी भ में जोड़ देना है। तो भ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर भो, और गाफ ले जाकर चिपका दीजिए पूरा का पूरा। तो ये हो गया राजभोग, राजभोग। आगे बढ़ते हैं, लोटपोट। लो है, लाक उर्दू में लाम कहते हैं, और ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दीजिए। लो हो गया, ट है, टक उर्दू में टे कहते हैं, लिख दीजिए। उसी तरह है पो, पाक उर्दू में कहते हैं पे, और पो बनाने के लिए ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दिए। उसके बाद ट है, टक उर्दू में टे जोड़ दीजिए। लाम का आधा भाग उठा लेना है, लाम के आधा भाग उठाकर इसमें वाव जोड़ दी, ऊपर तो पेश ही है, तो लो हो गया, और ट ले जाकर चिपका दीजिए। तो ये हो गया लोट। और उसी तरह है पे का आधा भाग, और इसमें ले जाकर वाव चिपका दी। ये जो है पे में वाव जोड़ दी, ऊपर तो पेश ही है, तो पो, और फिर उसी तरह टेल ले जाकर चिपका दे रहे हैं पोट। तो लोट पोट, लोट पोट। रोनाल्डो लिखना है तो कैसे लिखेंगे, रो, रा उर्दू में क्या कहते हैं, रे, ऊपर पेश लगाकर, अच्छा से जरा लिख दूँ, रे हो गया, ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ देंगे तो रो हो गया। ना है, ना उर्दू में नून कहते हैं, ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ दी। आधा ला है, आधा ला उर्दू में आधा, ये है पूरा आधा ला है ना, तो पूरा ला उर्दू में लाम कहते हैं। अब आधा ला बनाना है, तो इस लाम का भी आधा भाग मिटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आधा लाम से आधा ला। उसके बाद है डो, डॉक उर्दू में डाल कहते हैं, और डाल में, डाल के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा डो। अब इन सबको जोड़ देना है। रे के, रे में जोड़ दी वाव, और वापस ऊपर तो पेश ही है, तो रे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर रो। और नून का आधा भाग आप लोगों को उठा लेना है, और नून में अलिफ जोड़ देना है, ना हो जाएगा, रो ना हो गया। और लाम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और लाम के आधे भाग में, इस आधे भाग में ये जो डाल है ना, ले जाकर जोड़ देना है, इसे चिपका देना है। और डाल के ऊपर तो पेश है, बस वाव ले जाकर डाल में चिपका दीजिए। तो देखिए, रे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर रो, ना, ल, आधा ल, और डाल के ऊपर पेश और वाव जुड़कर डो, तो रोनाल्डो, 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 ये हो गया आप लोग का रोनाल्डो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतने सारे चार अक्षर से बने ओ मात्रा वाले उर्दू के शब्दों को हम लोग उर्दू में लिखना और पढ़ना सीखे। आई होप आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दे, शेयर कर दे चारों तरफ, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। और उसके बाद से अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।